बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को जब भी मौका मिलता है वे अपनी कहने से चूकते नहीं। कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भी ऐसा ही एक मौका था। जोशी जी ने इस मौके पर कहा कि देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के सामने निडर होकर बात कर सके, उनसे बहस कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर चर्चा करने की परंपरा लगभग खत्म हो गई है, उसे फिर से शुरू करना होगा। जोशी जी ने साफ कहा कि मेरा मानना है कि ऐसे नेतृत्व की बहुत जरूरत है जो बेबाकी से अपनी राय रख सके, सिद्धांतों के आधार पर प्रधानमंत्री से बात कर सके, बिना किसी के डर के इस बात की परवाह किए बगैर कि प्रधानमंत्री नाराज होंगे या खुश। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो अक्सर पार्टी के नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया तब भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को एक तरह से रिटायर कर दिया गया और 2019 में तो पार्टी ने इन दोनों नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं दिया।